नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की, और मैं आपके साथ विनोद कुमार बोध गया। बिहार में नगर परिषद के सफाई मजदूरों ने हड़ताल कर दिया है। हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा, जब तक 9 मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हड़ताल रहेगा जारी। मजदूरों के संघ नेता गुलाब चंद्र प्रसाद ने कहा, और अमृत प्रसाद ने कोरोना काल में मजदूरों को काम करते लेकिन अभी नहीं मजदूर नहीं मिला है। सप्ताह से नगर परिषद कार्यालय पर धरना किया जा रहा है, अधिकारी बोलने में परहेज कर रहे हैं। बिहार के बोधगया से दिनेश कुमार पंडित की खास रिपोर्ट। उसके बाद अधिकारी ने कहा कि हम अक्टूबर में जो है से पेमेंट करेंगे। हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, हमको पैसा नहीं मिल रहा। तो अभी आप हड़ताल तोड़ेंगे या हड़ताल पर रहेंगे? हम कह रहे हैं कि इनको फाइनेंशियल स्थिति सब चीज़ के लिए ठीक है, गैस पानी छिड़कते हैं ठीक है, रोड नाली को बनाने के लिए पैसा है, और सभी विकास कार्यों के लिए पैसा है, भोजन के लिए पैसा नहीं, तो भूखे भजन न हो ही गोपाला। जब तक पैसा नहीं मिलेगा हड़ताल जारी रहेगा। बात साफ। थैंक यू। अधिकारी से बातचीत हुई, बातचीत में जो है उन्होंने जो कहा उसमें समय बढ़ा दी और एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और तब हम लोग हड़ताल पर हैं। दूसरी कर्मचारिक बैठक हुई थी, उपाध्यक्ष महोदय थे, उनके पति संजय जी और भी थे, उनके जो अस्थायी समिति के सदस्य थे, उन्होंने तो आज का समय रखा गया। आप देखिए, आश्वासन मिला आज बातचीत करने का। कितना दिन का बाकी है नया मांग करनी है? सब पहलू पर बातचीत हुई, तो कहिए कि बैठिए तो उसका निराकरण। अब देखिए आज बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। निर्णय नहीं। पर्ची दीजिए आप। पर्ची अपना नाम पता दीजिए। गुलाब चंद्र प्रसाद, महामंत्री, लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, नगर शाखा बोर्ड। नगर परिषद में 8 दिनों से हड़ताल चल रहा है। हड़ताल से एक महीना पहले हमने इनको नोटिस दिया था कि हम हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस नोटिस का कोई वैल्यू नहीं दिया और कोई लिखित वार्ता नहीं बुलाई। मजबूरन हमको हड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताल में जो मेन इशू है कि कोविड-19 का पेमेंट बिहार के हर विभाग में हो गया है। हमको कहा गया था कि नवंबर 2020 में ही हम पेमेंट कर देंगे, दशहरा में ही हम पेमेंट कर देंगे 2020 में। तो आज 2021 हो गया, लेकिन आज तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ। गया में भी हुआ था, गया ने पेमेंट कर दिया, पटना पेमेंट कर दिया, दूसरे नगर पालिका, नगर निगम हिजुआ कर दिया, नवादा कर दिया, तो यहाँ भी हमको पेमेंट एज एग्रीमेंट सम्मानजनक समझौता के अनुसार इनको मिलना चाहिए। दूसरा है, हम काम करते हैं, सरकार कहती है कि 26 दिन काम करना चाहिए, हम काम करते। पिछले दिन लेबर डिपार्टमेंट में ये तय हुआ था कि 12 दिन छुट्टी हो गया तो एक दिन पहले दरखास्त दे करके वो जा सकता है, बिथ पे उसको छुट्टी मिलेगी, उसका एक कार्ड दे दिया जाएगा कि आपको 12 दिन का कार्ड, कैजुअल कार्ड दे दिया जाएगा। लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर यहाँ थे, बैठते हैं, उनके बाद तय होने के बाद भी आज तक लागू नहीं। तीसरी मांग है पीएफ का, पीएफ को लागू कर दिया जाए। चौथी मांग है कि SLRM और नाइट शिफ्ट वाले को विद पेमेंट रेस्ट दिया जाए, विदाउट पेमेंट रेस्ट देते हैं। पांचवी मांग है कि कोई कर्मचारी मरे तो दाह संस्कार के लिए जो है से उसको पैसा 10,000 कम से कम दिया जाए। छठा मांग है कि अभी गर्म कपड़ा दिया जाए, अभी तक मोटा मोटी यही हल्का मांग है, 900 नहीं पेमेंट किया है, इसलिए हड़ताल पर है। मेरा नाम अमृत प्रसाद है, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन का क्षेत्रीय मंत्री।